हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द शॉपिंग लेडी। दिस इज प्रियंका एंड आई एम बैक अगेन विथ अनदर प्रोडक्ट रिव्यू। सो दिवाली आने वाली है एंड शादियों का भी सीजन जस्ट स्टार्ट होने वाला है एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए हमेशा की तरह अकॉर्डिंगली साड़ियां या जो भी प्रोडक्ट मैं परचेज करती हूँ वो उनका रिव्यू करती हूँ। एंड मैंने कुछ टाइम पहले देखा हुआ कि मान्यवर मोहे की साड़ियाँ आपको बहुत पसंद आई थी, बहुत अच्छे रिव्यूज थे। दो तीन साड़ियां मैंने रिव्यू की हुई थी एंड सारे आपको बहुत पसंद आए एंड आपने ये भी था रिक्वेस्ट कि अगर और इस तरह की हैवी ब्राइडल वाली साड़ियां या फिर हैवी वर्क वाली साड़ियां जो शादियों में, दिवाली पे, इस तरह के फेस्टिवल्स पे यूज हो सके, तो उस तरह के प्रोडक्ट अगर आपके पास में है तो उनका रिव्यू कीजिएगा। एंड इसी तरह से इसी अकॉर्डिंग में आज मैं आपके साथ में मान्यवर की दो और साड़ियों का रिव्यू करने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा एंड मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि कैसा आपको लगा। एंड कुछ अगर आपके और पर्सनल सजेशंस हैं, पर्सनल कोई ब्रांड है जो इस तरह की हैवी वर्क की साड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं एंड इनका आपके बारे में थोड़ा डाउट है परचेजिंग को लेके, तो उसके लिए भी आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि आज मोहे की दो और साड़ियों का मैं रिव्यू करूंगी एंड मोहे की साड़ियाँ सच में बहुत अच्छी होती है अगर आपने परचेज किया होगा। इन स्टोर पे भी अवेलेबल है, manyavar.com/mohe, इस साइट पे भी आप परचेज कर सकते हैं एंड मिंत्रा पे और नायका फैशन, इन सब पे भी, थोड़ा बहुत आजियो वगैरह पे भी आपको कुछ कुछ सेलेक्टेड स्टाइल्स मिल जाएंगे। बट एक चीज की गारंटी नहीं रहती है कि हर वक्त जो भी प्रोडक्ट मैं आपके साथ में शो कर रही हूँ, लास्ट टाइम भी किया था, अभी भी कर रही हूँ, तो जरूरी नहीं है कि आपको प्रोडक्ट अवेलेबल हो सकता है स्टोर पे मिल जाए, हो सकता है मिंत्रा पे मिल जाए। एक मैंने मिंत्रा से परचेज किया हुआ है जो आपके साथ में जस्ट मैं अभी शेयर कर रही हूँ एंड बहुत सारी साड़ियां जो मैंने इन स्टोर परचेज की हैं। तो क्वालिटी का भी एक मैटर हो जाएगा कि ऑनलाइन जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी क्वालिटी और जो इन स्टोर से परचेज करते हैं, ये भी थोड़ा सा डाउट होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑनलाइन वाले फेक प्रोडक्ट्स दे रहे हों और जो भी आपका इन स्टोर से परचेज कर रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो, तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड शुरू करते हैं पहली साड़ी के साथ में। सो ये ब्यूटीफुल सी साड़ी आपको दिख रही होगी, हैवी वर्क है एकदम, दिवाली के लिए आप पहन लो या फिर कमिंग वेडिंग सीजन में पहन सकते हो, कोई फेस्टिवल हो उस पर पहन सकते हो, बहुत ही सुंदर है। एंड ये मैंने मिंत्रा से परचेज किया हुआ है, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी बट आई एम नॉट श्योर कि ये अभी अवेलेबल होगा या नहीं, आउट ऑफ स्टॉक होगा, तो हो सकता है आप आजियो पे ट्राई कर लीजिएगा या फिर नायका फैशन पे ट्राई कर लीजिएगा। एंड अदरवाइज अगर एकदम यही चाहिए तो इन स्टोर पे भी एक बार जाकर आप शो कर सकते हो साड़ी को कि इस तरह की साड़ी जो भी अगर आपके पास में स्टॉक में अवेलेबल है तो वो आप उनको वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मेरे पास में कई सारी साड़ियां हैं मान्यवर की एंड जरा सा भी कहीं भी कुछ आपको इसमें थ्रेड पे या वर्क पे, जरी का वर्क है, ब्यूटीफुल सा बॉर्डर है एंड ये मैंने वेयर भी किया हुआ है, उसके भी शॉर्ट्स आप मेरे वीडियोज में देख सकते हो एंड उस पर भी बहुत अच्छे रिव्यूज आए थे, कमेंट आए थे कि साड़ी का लिंक प्लीज मुझे प्रोवाइड कर दीजिए एंड मैंने वहां पे किया हुआ भी है, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। ब्यूटीफुल सा ये आपको वाइन कलर मिल जाएगा, बहुत ही सुंदर सा पूरा ओवरऑल आपको वर्क मिल जाएगा एंड बॉर्डर भी काफी अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है पतला सा बॉर्डर है एंड वर्क भी बहुत डिटेलिंग में की हुई है, जरी का वर्क है पूरे पे एंड सिल्क के फैब्रिक है साड़ी की, ये अपने आपको पूरा अनफोल्ड करके शो कर दे रही हूँ। बल्ले का पोर्शन भी सेम आएगा, किसी भी तरह का कोई डिफरेंट अलग सा चीज नहीं है कि पल्ला का पोर्शन अलग है एंड पूरी जमीन जो है वो अलग है साड़ी की, बट वेडिंग के लिए मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, पहना भी था मैंने एंड काफी सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मुझे मिले थे एंड आप लोगों की रिक्वेस्ट भी थी कि इसका रिव्यू मैं करूँ। तो ये कुछ इस तरह से आपको मेन पोर्शन मिल जाएगा, ये टकिंग के लिए लेंथ भी काफी अच्छी खासी है, विड्थ भी अच्छी है साड़ी की, ये इस तरह से आपको फैब्रिक मिल जाएगा, ये बॉर्डर आपको मिल जा रहा है। कलर ऑप्शंस इसमें अवेलेबल नहीं थे उस वक्त, हो सकता है अभी अगर स्टॉक में आए हो तो मिल सकते हैं, बट जब मैंने परचेज किया था तो उस वक्त में सिंगल पीस था। तो ये कुछ इस तरह की साड़ी है एंड ये कुछ ऐसा आपको लुक मिलेगा, ये आपका पल्ला का पोर्शन आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कितनी सुंदर, कितनी डिटेलिंग की हुई है साड़ी पे, बहुत सुंदर है, दिवाली पे पहन सकते हो एंड अभी दिवाली पे टाइम भी है
तो अगर आपको सही लग रहा हो तो आप मिंत्रा से भी परचेज कर सकते हो, अदर ऑनलाइन साइट से भी कर सकते हो, एंड इन स्टोर जाकर तुरंत मिल जाएगा आपको अगर अवेलेबल होगा तो, अकॉर्डिंगली जिस भी जगह पे आप रह रहे हो वहाँ के मान्यवर मोहे स्टोर पे आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह का इसमें लुक आपको मिलेगा, एंड पूरे लुक के लिए आप शॉर्ट्स जो है उस पे आप जाकर देख सकते हो, मैंने रिव्यू किया हुआ है, वियर किया हुआ है। तो ये थी पहली साड़ी, एंड इसका ब्लाउज का पोर्शन भी मैं आपके साथ में शो कर दे रही हूँ। तो ये 80 सेंटीमीटर के राउंड में आपको ब्लाउज का पीस मिल जाएगा, एंड ये आप अपने अकॉर्डिंगली स्टिच करा सकते हो। तो मैंने कुछ इस तरह से स्टिच कराया हुआ है, आप चाहो ये बॉर्डर आपको पूरा मिलेगा, ये आप चाहो तो बैक पे भी दे सकते हो, चाहो तो स्लीव्स पे भी लगा सकते हो, दोनों के लिए शायद कम पड़े, लेकिन अगर आप चाहो तो बैक पे दे सकते हो या फिर स्लीव्स पे, तो मैंने स्लीव्स पे लगवाया हुआ था। तो कुछ इस तरह से क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सी शाइन है कपड़े पे, सिल्क मिक्स फैब्रिक है, तो अभी विंटर्स भी आने वाले हैं तो उसमें भी आपको ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसमें जॉर्जेट की फैब्रिक की ज़रूरत होगी, तो इसमें आराम से इसे आप वेयर कर सकते हो। सो गाइज, ये थी पहली साड़ी, और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 4999 इसकी प्राइस थी, एंड जो भी मैंने पहले साड़ियाँ परचेज की हुई हैं मोहे की उसके अकॉर्डिंग ये प्राइस मुझे थोड़ा जस्टिफाइड लगा, क्योंकि 6000-7000 के भी अराउंड की साड़ियाँ मैंने परचेज की हैं, 9000 की भी एक साड़ी मैंने परचेज की थी, वो रिव्यू किया है आपके साथ में, एंड जिस तरह का वर्क इस पर किया हुआ, जितना हैवी बॉर्डर है, जितना हैवी वर्क है, ओवरऑल वर्क है, उसके अकॉर्डिंग 4999 मुझे एक जेन्युइन प्राइस लगी थी। एंड एज पर आपका कन्वीनियंस है कि अगर आपको इससे बेटर डील मिल जा रही है मानिवर के कलेक्शन में या किसी और अच्छे ब्रांड के कलेक्शन में, तो आप उसके लिए जा सकते हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्राइस इसके लिए जस्टिफाइड है। तो दिस वाज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो गाइज, नेक्स्ट ये ब्यूटीफुल सी पर्पल कलर की साड़ी है जो मुझे रिसेंटली दिवाली का गिफ्ट मिला है मेरे हस्बैंड से, एंड बहुत ही सुंदर, बहुत ही एलिगेंट सा इसका लुक है, आप देख पा रहे होंगे पर्पल कलर की साड़ी है, एंड हल्का सा इसमें आपको शेडेड पोर्शन भी मिल रहा हो, लग रहा होगा, या देख पा रहे हो डार्क एंड थोड़ा सा लाइट का, देख सकते हो बहुत ही सुंदर, बहुत ही एलिगेंट सा इसका लुक आएगा, एंड वर्क भी काफी हैवी है, एंड साड़ी भी बहुत हैवी है, होल्ड करने पे ही पता चल रहा है, बहुत ही महीन इस पे वर्क किया हुआ है, स्टोन बीड्स सारे कुछ इसमें है लगे हुए, एंड बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट है ये। ये आपको कुछ इस तरह से साड़ी मिल जाएगी, ये ओवरऑल आपको ये पोर्शन मिल जाएगा छोटा छोटा सा, एंड ये बॉर्डर आपको मिलेगा। फैब्रिक की बात करें तो क्रेप सिल्क है ये फैब्रिक, एंड ये इन स्टोर परचेज है, ये ऑनलाइन मिंत्रा वगैरह पे मुझे अभी तक दिखा नहीं है, हो सकता है आपके टाइम पे आपको मिल जाए, आप सर्च कर सकते हो। ये आपको पूरी साड़ी मिल जाएगी कुछ इस तरह से, ये आपको नीचे पोर्शन मिल जाएगा वर्क का, बाकी ये ऊपर का फैब्रिक इस तरह से प्लेन होगा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सॉफ्ट से शाइन है इसमें, एंड बहुत ही अच्छा कपड़ा है ये, एंड ये भी विंटर्स के लिए, अभी सीजन जो भी चलने वाला है उसके लिए परफेक्ट है, जॉर्जेट नहीं है, क्रेप का फैब्रिक है, एंड बहुत ही कम्फर्टेबल होगा आपके लिए वेयर करना इसको, अभी फॉल वगैरह कुछ लगा हुआ नहीं होता है, ये मैंने अभी लगवाया हुआ है फॉल एनर्जी, तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली अगर फॉल लगाना चाहते हो साड़ी पे तो लगवा सकते हो, अदरवाइज जैसा आपको पसंद है उस अकॉर्डिंग रख सकते हो। ये मैंने वेयर नहीं किया हुआ है, एकदम ब्रांड न्यू परचेज है, एंड ये मैं आपको जो भी है ड्रेप करके शो कर दे रही हूँ। ये कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा, बहुत ही रॉयल सा लुक आएगा इस पे, आप देख पा रहे होंगे इस तरह से कुछ इसका वर्क है, जैसे शेडेड सा इसका पोर्शन आ जाएगा, ये थोड़ा सा आपको डार्कर शेड लग रहा होगा, ये थोड़ा सा लाइटर शेड है, तो ये बहुत अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट आपको करेगा जब भी आप वेयर करोगे, एंड थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी लुक भी देगा, बाकी एकदम ट्रेडिशनल वाले हैं ये ट्रेडिशनल में, एंड थोड़ा अलग अगर पार्टीज वगैरह हैं कंटेम्प्रेरी, थोड़ा सा कुछ अगर मोड पे जाना चाह रहे हो तो उसके लिए भी ये बिल्कुल सही है। वर्क बहुत अच्छा है, बहुत डिटेल्ड वर्क है, एंड काफ़ी अच्छे बीड्स एंड स्टोन्स इन सब का यूज़ किया हुआ है, एंड शाइन बहुत अच्छी आती है इसको वेयर करने के बाद, एंड ड्रेप भी बहुत अच्छा आता है क्योंकि क्रेप का फैब्रिक है, तो बॉडी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा सा इसमें आपके फिगर के अकॉर्डिंग ये ड्रेप हो जाता है, तो ये क्रेप फैब्रिक जो भी है अगर आप पहनते होगे तो आपको पता होगा,
जैसे कॉटन वगैरह पहने तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन क्रेप की फैब्रिक जो है वो बहुत अच्छी सी ड्रेपिंग उसमें होती है। एंड कटवर्क किया हुआ है इसमें, आप देख पा रहे होंगे, तो ये बहुत अलग सा बहुत अच्छा सा डिज़ाइन मुझे ये लगा। एंड मेरी हैप्पी दिवाली तो हो गई, एंड आप भी देख लीजिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इन स्टोर परचेज कर सकते हो, अदरवाइज नायका फैशन, आजियो एंड मिंत्रा इन सब पे भी अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो इन केस अगर आपको कुछ और मिल जाए। कलर्स के लिए बात करूँ तो जैसा मुझे बताया गया कि इसमें और कोई कलर अवेलेबल नहीं थे, सिंगल पीस था, बट हो सकता है कि बाद में कुछ अगर कलर्स ऐड हुए हों तो वो आप देख सकते हो। एंड ये थी हमारी दूसरी साड़ी, ब्लाउज का पोर्शन मैं आपके साथ में शो कर दे रही हूँ। सो हैवी वर्क वाला ये आपको ब्लाउज का पोर्शन मिल जाएगा 80 सेंटीमीटर के राउंड में, एंड ये आपको वर्क का पैटर्न मिल जाएगा। ये भी आप चाहो तो स्लीव्स पे लगवा सकते हो, चाहो तो आप बैक पे लगवा सकते हो, लेकिन बैक के लिए ऑलरेडी इन्होंने ये वर्क दिया हुआ था तो उसमें ज़रूरत नहीं लगेगी। ये आप इस तरह से मैंने स्टिच कराया हुआ है, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंगली स्टिच करा सकते हो। तो हैवी लुक एकदम आ रहा है इस पर, ब्लाउज का पोर्शन भी काफ़ी हैवी है, एंड साड़ी भी बहुत अच्छी है, बहुत एलिगेंट सा कलर भी है, लुक भी है। तो ये हमारा था आज का प्रोडक्ट। एंड फाइनली प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस, इस वाले साड़ी की प्राइस 6999 थी, 7000 की ये साड़ी है। थोड़ी सी महंगी है, बट जिस तरह का वर्क, जिस तरह के स्टोन्स इसमें यूज़ किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली जस्टिफाइड है। एंड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है मोहे की साड़ियों की, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, कलर फेडिंग वगैरह, कलर ब्लीडिंग इस तरह का नहीं होता है, बहुत ही कम, बहुत ही, जैसे अब ब्लू कलर है तो ब्लू कलर आप कोई भी साड़ी लो कितने भी महंगे, वो हल्का सा कलर ब्लीडिंग उसमें होगा ही, बट इस तरह की जो भी मैंने मान्यवर की साड़ियाँ ली हुई हैं उसमें जनरली ये मुझे कंप्लेंट नहीं आती है कि इसके जरी खराब हो गई हो या इसके स्टोन्स मिस हो रहे हों, जबकि मैं डेलिकेट मोड पे मशीन वॉश भी कभी कभी कर देती हूँ, बट उसमें भी मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आपने रिव्यू भी देखा हुआ है, रिव्यू पसंद भी किया हुआ है, आगे के लिए बोला भी हुआ था, तो उसके हिसाब से मोहे की साड़ियाँ आपको भी बहुत पसंद आती हैं, मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है, वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड है। एंड ट्रेडिशनल वियर के लिए तो एकदम बेस्ट सूटेड होता है, चाहे कुर्ता ले लो या फिर साड़ियाँ ले लो, लहंगे ले लो, सारा कुछ बहुत एकदम A1 क्वालिटी का होता है। तो ये दोनों साड़ियाँ थी दिवाली के लिए या शादियों के सीजन के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड कमिंग वीडियोज में मैं आपके साथ में और भी जो भी हैवी वर्क की साड़ियाँ हैं या फिर फेस्टिवल टाइम के लिए जो भी अकॉर्डिंगली होगा वो आपके साथ में शेयर करूंगी, एंड आपके कोई पर्सनल सजेशन है तो उनका वेलकम है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर प्रोडक्ट रिव्यू, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ हैप्पी दिवाली एंड थैंक यू।